हाय, वेलकम टू चैनल मैथ कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्यूएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो परसेंटेज की जो मैं वीडियो करा रहा था, उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और जो नहीं समझ आ रहे थे बच्चों को, तो उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा, तो मैं उन्हें दोबारा सेपरेटली करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। तो ये 91, 91, 28 एंड 10, ये तीन क्वेश्चन मेंसुरेशन के हैं। किसके क्वेश्चन है? मेंसुरेशन के, लेकिन परसेंटेज मिक्स, मतलब परसेंटेज के साथ। और ऐसे तीन क्वेश्चन, ये जो तीन क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इससे अगर आप मुझे एक क्वेश्चन बनाने के 1 रुपया दो ना, मैं 300 क्वेश्चन बना सकता हूं अभी बिना रुके। 300 नहीं, 3,000 भी बना सकता हूं, 3 लाख भी बना सकता हूं। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये तीन क्वेश्चन कंसेप्ट है, अगर आपने समझ लिए तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर लोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला, उसने कहा रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 50%। पहले मैं कंसेप्ट से बताता हूं, फिर बताता हूं कि मैंने ट्रिक कैसे बनाई, ठीक है ना, या ट्रिक कैसे बनी है। तो देखो, पहला रेडियस मान लिया आर, पहला रेडियस मान लिया आर। अब रेडियस 50% इंक्रीज हो गया, तो नया रेडियस हो जाएगा आर प्लस आर का 50%, आर प्लस आर बाय टू, यानी कि 3R/2। यह नया रेडियस हो गया, ठीक है ना। अब पहला एरिया कितना होगा? देखो सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर, तो आर की जगह आर। नया एरिया कितना होगा बच्चों? पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 3R/2 का होल स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट इंक्रीज हुआ। देखो समझना, अगर किसी का वजन 100 है, 100 से 120 हो गया, तो कितना बढ़ गया? 20। और अगर इसे प्रतिशत में करना है तो आप आंख बंद करके कह देते हो 20%, वो सही है। पता है क्यों? क्योंकि इनिशियल 100 है। अगर किसी का 80 से 100 हो गया, कितना बढ़ गया वजन? 20। अब आप 20% कहोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत। क्यों? क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने का चेंज होता है उसे ऊपर रखते हैं और जो इनिशियल होता है उसे नीचे रखते हैं, गुणा 100। तो ये हो गया 25%। ये बेसिक कंसेप्ट है और इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसी बेसिक कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो कितने का एरिया में चेंज आएगा? नया एरिया माइनस पुराना एरिया। नया एरिया क्या है? पाई 9R/4, पुराना एरिया पाई R/2। तो आप पाई कॉमन लोगे, आर स्क्वायर कॉमन लोगे, तो 9/4 - 1, ये आ गया चेंज इन एरिया। और मैंने क्या कहा था, प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करोगे? इसको तो ऊपर रखोगे, 5/4 आ गया, और नीचे रखोगे इनिशियल वाला हमेशा, और मल्टीप्लाई में 100, आंसर आ गया 125%। दिखा? चलो 125%। लेकिन अब आपको ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, जब अगर आप सीख रहे हो, कंसेप्ट सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना करना कैसे है? पुराना रेडियस 100 था, नया रेडियस 150 है। अब आपको क्या करना है, इसका एक जीरो हटा के इसका स्क्वायर कर देना है, तो हो जाएगा 225, और उसमें से 100 घटा देना है 125। 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, हार्डली 3 सेकंड, 3 सेकंड से भी कम समय लगता है इस तरह के क्वेश्चन में। जैसे आप लोग कैसे सोचते हो ना कि कोई कैसे इतनी जल्दी कर लेता है, अगर 20 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे तो 20 के 20 कोई जल्दी नहीं कर पाता, उसमें से 5, 10, 12, 7, 6 कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल स्पीड से कर देता है और टाइम बचाते चलता है। अब ये मैंने क्या तिकड़मबाजी की, मैं ये भी बता देता हूं, पुराना रेडियस 100 था तो नया रेडियस कितना था? 150। पुराना एरिया कितना हो जाएगा? पाई 100 का स्क्वायर। नया एरिया कितना हो जाएगा? पाई 150 का स्क्वायर। फिर चेंज इन एरिया कैसे निकलेगा? नया एरिया माइनस पुराना एरिया, पाई कॉमन ले लो, 150 का स्क्वायर - 100 का स्क्वायर। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, सॉल्व मतलब मैं कैलकुलेशन लास्ट में करता हूं। परसेंटेज कैसे निकालोगे? जो ये चेंज आया है 150 का स्क्वायर - 100 का स्क्वायर, इसके अपॉन में रखेंगे क्या? इनिशियल वाला, इनिशियल वाला कौन है? पाई 100 का स्क्वायर, और गुणा में करेंगे 100, इससे कटेगा। अब इसको इसके नीचे भी लिखो, इसके नीचे भी लिखो, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 150 बटे 100 का स्क्वायर माइनस 1,
गुणा सौ, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, ये हर बार एक जीरो कटेगा, इसीलिए हम यहां पे ये वाला जीरो काट देते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ट्रिक जैसा कुछ होता ही नहीं है, कंसेप्ट को छुपा के शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म में दिखाओ, और कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो हर बार कॉमन होते हैं, उन्हें छुपा दिया जाता है। 15 का हो जाएगा 225, 10 का हो जाएगा 100 माइनस 1 गुणा 100, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 125 बटे 100 गुणा 100, तो आंसर आ जाएगा 125। समझ आ गया बस, लेकिन करना कैसे है जैसे मैं बता रहा हूं फास्ट, 3 से 4 सेकंड में। आगे स्क्वायर का एरिया क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर, यहां पे भी स्क्वायर ही होता है ना, तो जब भी किसी का स्क्वायर, ज्यादातर क्वेश्चन ये जो आएगा ना वो या तो स्क्वायर का आएगा या फिर सर्कल का आएगा या फिर स्पेयर का आएगा जिसमें साइड का स्क्वायर होता है उस। अब देखो यहां पे भी वही है, 100 से कितना हो जाएगा 150, 150 का जीरो हटाया 15, 15 का 225, 225 में से 100 गया 125। अगर मान लो यही क्वेश्चन होता और 20% इंक्रीज होता तो आप क्या करते? 100 से 120, 120 का जीरो गया 12 का 144, 44 में से 100 गया 44%। अगर यही क्वेश्चन होता और 50% डिक्रीज होता, क्या होता? डिक्रीज, तो 100 का हो जाता कितना? 50, 50। अब देखो यहां 50 का जीरो गया, 50 का जीरो गया, अब यहां फंस जाते 5 का 25, समझे? तो याद रखना ये वाला इंक्रीज में लगाओगे, किसमें लगाओगे? इंक्रीज में। डिक्रीज में भी यही है, लेकिन अभी बताएंगे धीरे धीरे सब बताएंगे, ऐसे थोड़ा बिना बताए भागेंगे। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 1%। अब देखो ये थोड़ा अलग है, मतलब वही है लेकिन थोड़ा अलग। 100 से कितना हो जाएगा 101, 101 को 10 से भाग करोगे 10.1, 10.1 का स्क्वायर कर दो, आपका जो भी तरीका है वैसे कर दो स्क्वायर, 101 000 101 10201, मेरे को भी पता है सब, ठीक है ना? तो आंसर आ जाएगा 102.2, इसमें से क्या घटाओगे? 100 घटाओगे तो 2.01 इज अवर आंसर, तो इसका आंसर आएगा 2.01%। तो ये था एरिया का, किसका था? एरिया का। समझ आया? मैं तो एक साथ ही समझाना चाह रहा हूं लेकिन मैं अलग अलग बना रहा हूं ताकि समझ आए। अब मैं ऐसी एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें यही क्वेश्चन होंगे, इसमें क्या हो जाएंगे? वॉल्यूम, क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, कैसे कर रहा हूं? समझ आ रहा है ना? अगर आप चाहो इसका, कोई कहेगा नहीं सर मुझे फॉर्मूला दे दो, मुझे शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला दे दो, मैं अपने आप करूंगा। लो फॉर्मूला है, R2/R1 का होल स्क्वायर माइनस 1 × 100। वैसी अगर स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा? A2/A1 का होल स्क्वायर माइनस 1 × 100। चेक कर लो, लगा के दिखाए। चलो R1 क्या होगा इसमें? 100। R2 क्या होगा? 101 का स्क्वायर माइनस 1 × 100। सॉल्व करोगे तो 2.01 ही आएगा। चाहे तो यहां भी ट्राई करके देख लो, R2 है 150, R1 है 100 का स्क्वायर माइनस 1 × 100, तो कितना आ जाएगा? 125। वेरीफाइड है, सारे डाटा वेरीफाइड है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी वेरीफाइड ना हो। अब ये भी हम साथ साथ चलाएंगे एक सीक्वेंस, जिसमें मैं एक टाइप के 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा और आपको उसका लॉजिक भी बताऊंगा, कंसेप्ट भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा। अगर ये वाला पैटर्न समझ आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन बताओ, ठीक है?